हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं बिलीव इट और नॉट। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कि सांप अपने नाक के बजाय अपनी जीभ से कैसे सूंघता है। तो दोस्तों, जब भी हम भी कभी सांप को देखा है तो उसकी जीभ बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि बस वो हम पे हमला ही करने वाला है। हालांकि ऐसे करते वक्त वो काफ़ी खतरनाक लगते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे आसपास की हवा को टेस्ट कर सके, जिससे उन्हें आसपास के माहौल का पता चल सकता है। दोस्तों, सांपों की नज़र कमज़ोर तो होती है, साथ ही उनके सुनने की क्षमता भी कम होती है। इसलिए उनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वे सूंघकर किसी वस्तु, प्राणी या माहौल का अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि उन्हें नाक भी होता है, वे सूंघने के लिए नाक के साथ साथ अपनी जीभ का भी उपयोग करती है। जीभ के उपयोग से वे आसपास के जीव जैसे शिकार या फिर शिकारी की गंध को सुनकर उनका अंदाज लगा सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि वे जीभ से कैसे सूंघते हैं। जब भी सांप उसकी जीभ को बाहर निकालकर लपलपाता है, तब हवा में मौजूद बाष्पयुक्त गंध के कण उसकी जीभ से चिपक जाते हैं। सांप अपने जीभ को जैकबसन ऑर्गन तक ले जाता है। जैकबसन ऑर्गन को वमदर नसल ऑर्गन भी कहते हैं। सांप के शरीर का यह ऐसा अंग है जो गंध की पहचान कराता है, जो कि उसके मुँह के अंदर ऊपर की ओर स्थित होता है। उसके बाद जीभ उस बाष्पयुक्त गंध कणों को वमदर नसल ऑर्गन तक ले जाती है। वहाँ पर उस गंध के केमिकल कंपाउंड ऑर्गन के मॉलिक्यूल से मिल जाती है, जिससे वह ऑर्गन सांप के दिमाग को एक संदेश भेजता है, जिससे उसे पता चलता है कि आसपास कौन सा प्राणी घूम रहा है। तो दोस्तों, अभी आपको लगता होगा कि उसको नाक के होते हुए भी जीभ से ही क्यों सूंघता है, तो नाक क्या डेकोरेशन के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो नाक का उपयोग जो होता है वो हवा में मौजूद गंध कण जो है उसे सूंघने के लिए सांप नाक का यूज करता है, और जो बाष्प में मौजूद यानी कि मॉइस्चर में मौजूद जो गंध कण होते हैं उसे सूंघने के लिए वो अपनी जीभ का उपयोग करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार, रोचक और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।